तो फ्रेंड्स, हमारी जो फर्स्ट ऐप है वो है टूल बॉक्स। ये एक बेसिकली हैंडी टूल बॉक्स फॉर मल्टीमीडिया एंड फाइल कन्वर्टिंग एंड एडिटिंग के लिए, और ये एप्पल एडिटर्स चॉइस भी है। तो हम करते हैं फोटो को ओपन। एक मैंने एक फोटो ओपन कर लिया। ओके, मैं जाऊंगा नेक्स्ट। अब आप देखो इसको पीएनजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ओके, मैं करूँगा इसको स्टार्ट। इसे पीएनजी में कन्वर्ट कर देती है, और मैं शेयर करना चाहूँगा तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ बड़े आराम से। ओके, डायरेक्ट ये देखिए, ये इसने कर दिया शेयर। ओके, मैं जाऊँगा बैक। ओके, अब आपको कंप्रेस करना है तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, और फर्दर यदि आपने लाइव फोटोज़ को MP4 में कन्वर्ट करना है तो वो भी हो सकता है। ये आप फंक्शन आप यूज़ कीजिए। इसके बाद आता है GIF। तो वीडियो टू GIF भी हो जाएगा, और लाइव फोटोज़ को भी आप GIF में कन्वर्ट कर सकते हैं, और GIF टू MP4 भी हो जाएगा। मैं जाऊँगा फोटो लाइब्रेरी में। ओके, मैं लेता हूँ एक वीडियो। ओके, मैंने ये वीडियो ले लिया, तो मैं यहाँ पे एक इसका हाथ ले लेता हूँ। ये ऐसे हाथ कर रहा है। ओके, मैंने ये सिलेक्शन कर लिया। मैं जाऊँगा नेक्स्ट। अब कर दूँगा फिनिश फटाफट, और मैं इसको करूँगा शेयर। देखते ये GIF शेयर होता है कि नहीं होता। ये देखिए, ये GIF शेयर हो गया है। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, और फटाफट से ये तेज़ी से काम भी करता है। और चलते हैं हम WhatsApp पे। ओके, देखते हैं। ये देखिए, तो आपको वीडियो से GIF बनाना हो तो बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। ओके, अब इसके बाद बारी आती है वीडियो की। तो वीडियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट ऑडियो भी कर सकते हैं। तो सबसे मुश्किल काम जो आईफोन में होता है वो होता है वीडियो से ऑडियो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ये सबसे टफ काम है, और इसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, और ये एकदम बढ़िया है इस ऐप में। ये वाला वीडियो ले लेता हूँ। ओके, वीडियो ले लिया है मैंने। ओके, मैं करूँगा इसको स्टार्ट। ओके, तो मेरे को सिर्फ इसकी ऑडियो चाहिए। ये ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो गई है। मैं इसको करूँगा शेयर, और मैं डायरेक्ट इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये कर दूँगा मैं इसको सेंड। तो ये मैंने ऑडियो भी एकदम सेंड कर दिया सोशल मीडिया पे। अब हम वापस जाएंगे टूल बॉक्स में। इसके बाद आता है ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लिया था हमने, और अब आप इसको कन्वर्ट टू PDF में भी कर सकते हैं, कोई भी अपनी फाइल को अनजिप और आर्काइव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी ऐप है जो कि मेरे हिसाब से सबके मोबाइल में होनी चाहिए। मस्ट डाउनलोड ऐप है। आप एप्पल स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गो एंड डाउनलोड एज सून एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में जो सेकंड ऐप है वो है जेट असिस्ट। ये एक बहुत ही बढ़िया ऐप है। ये आपके स्क्रीनशॉट को स्टिच कर देगी। मैं करता हूँ दो फोटो सिलेक्ट। जैसे लॉन्ग स्टिच करना है तो आपके फोटोज में स्क्रीनशॉट होनी चाहिए, तो ये लॉन्ग स्टिच कर देगा। अदरवाइज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टिच कर देगा। तो मैं करता हूँ इसको वर्टिकल स्टिच पे ऑन। यहाँ पे सीजर का साइन देख रहे हैं आप, सीजर के साइन को ऑन करेंगे, और इस तरह से आप इसको ओके कर देंगे। और यहाँ पे भी फर्दर इसको ऐसे करके आप अपनी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, और जितना चाहे उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे शेयर करने के लिए। मैं कर दूँगा इसको सेव। अभी हो चुकी है सेव। मैं बैक टू होम जाऊँगा और चेक कर लूँगा यहाँ पे फ़ोटोज़ ऐप पे। तो इस तरह से आप अपनी फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इसका एक दूसरा बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। आपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करना है यहाँ पे, और ये देखिए जेटा स्क्रॉल शॉट है ना, इस पर आप टिक कर देंगे। मैं करता हूँ स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, इसने शुरू कर दिया है। मैं करूँगा ओपन वेबसाइट। जैसे मैंने वो वेबसाइट ओपन की है, जैसे वॉलपेपर है दो, फिलहाल मैं दो ही लेता हूँ। मैं करूँगा इसको स्टॉप। अब हम जाएंगे जेटा स्टिच में, और ये देखिए इसने ओके, ये इसने सारे के सारे स्क्रीन शॉट ले लिए हैं, और इस तरह से आप इन स्क्रीन शॉट को एडजस्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऐप है। यदि आपको स्क्रीन शॉट या वॉलपेपर्स वगैरह सेव करने हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके बड़े ही आराम से वॉलपेपर्स भी सेव कर सकते हैं। बारकोड लिंक मैंने वीडियो में दे दिया, आप स्कैन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर से। फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में जो थर्ड ऐप है वो है ब्रोवेसी। ये एक सिंपल छोटी सी ऐप है विद 9.9 MB इन साइज। एक सिंपल प्राइवेट ब्राउजर है विद मल्टी जूम ऑप्शन एंड सिंपल टू यूज एंड नो क्लटर, एकदम मक्खन। और इसका एक फीचर है बर्न एवरीथिंग। आप उस फीचर को यूज़ करें और एवरीथिंग विल बी क्लियर। बस इसको एक टैप करना है और सब क्लियर हो जाएगा। और इसमें टैप्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, और इसका बहुत ही UI भी बहुत अच्छा है।
जैसे मैंने गूगल टाइप किया, ओके ये देखिए यहाँ पे मैं जूमिंग ऑप्शन का बहुत बढ़िया है, ये देखिए आप 200% जूम कर सकते हैं, ओके। तो ये एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा ब्राउज़र है, आप इसको यूज़ करें और एन्जॉय करें। फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में जो फोर्थ ऐप है वो है एक्सनेपर। ये एक स्क्रीनशॉट रिलेटेड ऐप है और एक बहुत छोटी सी ऐप है, छोटी सी फाइल है 2.9 MB की, मतलब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। यदि आप अपने स्क्रीनशॉट को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा एडिट करना चाहते हैं या शेडो देना चाहते हैं, तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो चलो करते हैं इसका एक ट्रायल। मैं लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट, ओके मैंने जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके तो ये मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके मैं करूँगा इसको शेयर और मैं जाऊँगा एक्सनेपर पे यहाँ पे, ओके मैंने एक्सनेपर पे चला गया हूँ। मैं इसको करूँगा स्किप और इसमें आ रहा है वाटरमार्क। वाटरमार्क हटाने का तरीका एक है इसका, मैं डॉट लगा देता हूँ एक इसको और यहाँ पे रिटर्न पे टैप करना है तो ये वाटरमार्क हट जाएगा इसका। इसका जो पैडिंग का फंक्शन है ये बहुत ही बढ़िया है, ओके और इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। अभी तक मैंने ऐसी ऐप देखी नहीं स्टोर पे जो कि इस तरह से स्क्रीनशॉट को एडिट करे, है ना। बॉर्डर रेडियस भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, और कुछ लिखना चाहें तो उसके बाद आप लिख भी सकते हैं इस पर। और मैं इसको करूँगा शेयर, ओके वाटरमार्क के बिना देखते होता ही नहीं होता, ओके मैं नेक्स्ट करूँगा, ओके वाटरमार्क हट गया, देखिए मैंने एक डॉट लगाया हट गया, ओके मैं सेंड करूँगा तो ये हो गया सेंड, ओके हम जाएंगे व्हाट्सएप पे। तो इस तरह से आप जो है कोई भी स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फ्रेंड्स को आगे भेज सकते हैं। तो ये देखिए ये बिना वाटरमार्क के ये सेंड हो गया। आप भी ट्राई करिए कि वाटरमार्क हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, या उसकी जगह कुछ और आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये एक छोटा सा ऐप है, यूज़ करके देखिए, ऐप बहुत बढ़िया ऐप है। फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में जो ऐप है वो ऐप नहीं, वो एक गेम है और इस गेम का नाम है 2048, मतलब 2048। किसी का कहना है कि 2048 तक ही दुनिया है, उसके बाद भस्म हो जाएगी। खैर, लिखने वाले बहुत कुछ लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, बस नंबर्स को ज्वाइन करना है और 2048 का स्कोर आपने कंप्लीट करना है। जैसे कि अभी 88 है तो मैं ये देखिए 100 हो गया, 108 हो गया। बस इसी तरह आप बोर हो रहे हैं तो लगे रहिए टाइम पास करना, क्यों एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, ये गेम डाउनलोड कीजिए और ये भी बहुत ही बढ़िया गेम है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।